गाइस एंड वेलकम बैक विद द न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो पे। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के माइंड में डाउट है कि बीपीएम को क्या एबीपीएम का काम करना पड़ता है, क्या बीपीएम को पोस्टमैन की तरह काम करना पड़ता है, क्या सिंगल हैंडेड बीओ में बीपीएम को भी काम करना पड़ता है, किन केसेस में बीपीएम को डाक बांटनी पड़ती है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोगों को बीपीएम का काम पता ही है, बीपीएम का काम सिंपली ऑफिस को मेंटेन करना है, ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना है, ऑफिस के काम को संभालना है। फील्ड वर्क से उसका कोई लेना देना नहीं होता है बीपीएम का। इफ़ यू आर वर्किंग इन डबल हैंडेड बीओ और ट्रिपल हैंडेड बीओ, ये होता है बीपीएम का, और एक्चुअल में बीपीएम का काम यही होता है। तो बीपीएम को अपने अकाउंट्स अरेंज करने होते हैं, डेट स्टैम्प देखने होती है, हाँ जो एबीपीएम वर्क कर रहा होता है डाक वगैरह भी देखनी होती है कभी कभी कि हाँ वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आपको अकाउंट ओपन करने होते हैं, आर्टिकल्स बुक करने होते हैं, और इंश्योरेंसेस करनी होती है, और पेंशन वगैरह निकालनी होती है। बस मतलब बीपीएम का काम बहुत ज़्यादा होता है, बट ऑफिस वर्क ही रहता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर द फीमेल्स, ऑल्सो फॉर द मेल्स। अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो यहाँ पे जेंडर वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता है। देखो जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे ना, उसी जॉब में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने बीपीएम के लिए किया है तो आप बीपीएम में सिलेक्ट होंगे, और आपको जॉब प्रोफाइल बीपीएम का ही करना है। अगर आप एबीपीएम में सिलेक्ट होते हो, अगर आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो आपको डाक बांटनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप जो कुछ भी कहो आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि आपने वो खुद से सिलेक्ट किया है पोस्ट। ठीक है, सो सेकेंड थिंग, फर्स्ट ये थिंग खत्म हो गई है कि बीपीएम ऑफिशियल वर्क करता है, बीपीएम का फील्ड वर्क से कुछ लेना देना नहीं है, देन दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज किस कंडीशन नहीं, सेकेंड पॉइंट इज क्या बीपीएम को एबीपीएम का काम करना पड़ता है, यस इज इट ट्रू। इन केस एबीपीएम को अचानक से छुट्टी करनी पड़े या फिर वो किसी को अपनी जगह पे ना छोड़ के जाए, तो उस केस में आपको आप जस्ट फोन करके भी कर सकते हो एडजस्ट, उस केस में आपको एबीपीएम का काम करना पड़ता है। अगर एबीपीएम वहाँ पे आपका नाम लिखवा के जा रहा है तो उसको उतने दिन की पे भी मिलती है उस पर्सन को। थर्ड वन केस बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। आई एम वर्किंग इन सिंगल हैंडेड बीओ। अगर आपकी जो पोस्टिंग है सिंगल हैंडेड बीओ में हुई है, जहाँ पे डाक लाने वाला तो है बट डाक बांटने वाला काम नहीं, और डाक बांटने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है, मतलब एमडी वहाँ पे अलॉट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको डोर टू डोर जाके डाक बांटनी पड़ेगी। आई वॉज डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स, बट नाउ द पीपल्स आर वेरी कोऑपरेटिव, सो अभी बिल्कुल स्मूथली सब कुछ चल रहा है। सो स्टार्टिंग में तो चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू में आप नहीं एडजस्ट कर सकते और इन्वायरमेंट बहुत अलग हो जाता है। सो अपना बिहेवियर थोड़ा काम डाउन करके, आपको ज़्यादा नहीं, जिन पे नंबर्स होते हैं वो तो चलो आप एडजस्ट कर लोगे, जिन पे नंबर नहीं है उनको ढूंढ के टाइम से डिपॉजिट डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखें अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में हो। तो अब आप ये लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सिंगल हैंडेड बीओ कैसे पता चलेगा, तो एक्चुअल में पता नहीं चलता है सिंगल हैंडेड बीओ कौन सी है कौन सी नहीं, क्योंकि फिल करने से पहले हम सब जगह विजिट तो नहीं कर पाएंगे ना। सो ऐसा होता है, और कुछ टाइम करना पड़ता है उसके बाद। अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा निकलता है, आपकी बीओ में वर्क अच्छा हो रहा है, बिजनेस अच्छा निकल रहा है, तो आपको अलॉट कर देते हैं एमडी। बट अगर आपके साथ सिंगल विलेज है तो आपको बिल्कुल भी एमडी अरेंज अलॉट नहीं होएगा, आपको खुद से ही डाक बांटने हैं, खुद से ही सारा ऑफिस का वर्क देखना है, और सब कुछ स्मूथली हो जाता है। शुरू में बहुत दिक्कत आती है बट आफ्टर सम टाइम इट्स गेट स्मूथ। सो थर्ड कंडीशन जो है बहुत रेयर होती है, बट मेरे साथ तो चलो हो गई है अभी। थर्ड कंडीशन ये होती है कि मेरे साथ एमसी थे, एमडी नहीं थे, एंड आई एम हेयर एज अ बीपीएम। सो अभी जो हुआ है रिसेंटली, ये केसेस आपके साथ भी हो सकते हैं, रिसेंटली अभी किसी बीओ के जो बीपीएम थे उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है फॉर देयर होम टाउन, वो अपने होम टाउन चले गए। उस केस में मेरा जो एमसी थे, मेरे एमसी थे जो अभी वहाँ के बीपीएम है, सो दैट्स वाई आई एम डूइंग द वर्क ऑफ थ्री पीपल्स, लाइक एमसी, बीपीएम एंड एमडी। अब मुझे मॉर्निंग टाइम डाक लेके भी आनी पड़ती है, डाक को ऑर्गेनाइज भी करना होता है, बीओ को भी ऑर्गेनाइज करना होता है, देन डाक डिलीवर भी करनी होती है। सो ऐसा मतलब इमरजेंसी केसेस होते हैं, मे बी वो अलॉट कर दे मुझे, बट अलॉट नहीं होगा बिकॉज मेरा एमसी एडजस्ट हुआ है। जब तक वहाँ पे कोई नहीं आ जाता है, जब तक वहाँ पे कोई बीपीएम एडजस्ट नहीं हो जाता है, न्यू पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक मुझे
ही करना पड़ेगा सब कुछ। जब तक वहाँ पे कोई नहीं अलॉट होता है, वहाँ की भर्ती नहीं होती है, मुझे खुद से ही सब कुछ एडजस्ट करना है। डेली अकाउंट भी खुद देके आना है और सुबह टाइम भी खुद लेके आनी है। सो ऐसे केसेस भी आ जाते हैं, सो इस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ बन जाती है सो यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यू कॉन्ट राइट अ लेटर, बार बार लेटर मत लिखो, देखो कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला है। सो कुछ टाइम अगर आपको ऐसा करना पड़े, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंडीशन फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स, बट चलो खैर निकल गए हैं। सुबह डाक लेके आनी है, दोपहर में सब कुछ करना है, डाक भी बांटनी है, उसके बाद दोबारा जाना है एसओ में उसको डेली अकाउंट पे देने के लिए, देन घर पे जाना है। सो इट्स वेरी टफ टू मी, बट हो जाता है एडजस्ट। सो ये 3 ही केसेस होते हैं जिनमें आपको एज अ सिंगल 100 BO में काम करना पड़ता है, एज अ BPM और ABPM में काम करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ इफ़ यू आर इन सिंगल 100 BO, सेकेंड वन इज इफ़ यू हैव MC बट नॉट अलॉटेड योर MD, एंड थर्ड वन केस इज इफ़ योर MC या MD रिमूव कर दिया जाता है फॉर सम टाइम, तो उस कंडीशन में होता है। बट कोई बात नहीं, खैर चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज यू चूज दिस, आपने इसको चुना है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में निकल जाता है, BPM और ABPM का काम भी एडजस्ट हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा लाउड हो गया था अभी, कुछ ट्रक्स वगैरह जा रहे थे सो उसकी वजह से थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल सॉल्व इट। सो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आई होप आपका जो डाउट है सिंगल 100 BO को लेकर निकल गया होगा। सो देखो कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है, बट आप सिर्फ ये सोच के करो कि 3 घंटे की जॉब है, इतने घंटे का तो हम एग्ज़ाम ही देते थे स्कूल या कॉलेज में, तो अगर इतने घंटे में जॉब करके अच्छी सी सैलरी मिले तो क्या प्रॉब्लम है, कर लो ना। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थिंक बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच के करो कि सब अच्छे से हो जाएगा, अगर नेगेटिव